Na 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 हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज बेसिकली मैं बहुत दिन के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। कितनी बार पास्ट में मैंने किया है पर वो कंप्लीट नहीं हुआ है, सो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ समय पहले हम लोग गए थे स्ट्रॉबेरी पिक करने। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, इतना मज़ेदार एक्सपीरियंस था ना। हम सोच रहे थे कि स्ट्रॉबेरीज पिक करते हैं अच्छी बड़ी और फार जाके, पर जो भी आप स्ट्रॉबेरी पिक कर रहे थे, हरी स्ट्रॉबेरी इतनी ज़्यादा डिलिशियस, फ्लेवरफुल, बहुत मज़ेदार थी, बहुत मज़ा आया। तो हमने खूब सारी स्ट्रॉबेरीज पिक की। और जब हम घर वापस आ रहे थे तो वहाँ पे पीस का फार्म भी था, लाइक मटर का, तो उसमें मुझे मिल गया बथुआ। सो मैंने वो भी पिक किया और उसके बाद घर आके फ्रेश साग बनाया। उस दिन मैंने वीडियो भी बनाई थी जिस दिन मैं साग बना रही थी, पर वो वीडियो मुझसे मिस हो गई है। तो ये सारा फार्म मटर बनाया, मटरों के लिए बॉक्स नहीं लिया हमने, सिर्फ स्ट्रॉबेरी के लिए लिया है। सो ये हैगा 4 लीटर का, ये आनी है 4 लीटर, आई थिंक $21 चंगी तरह तो बाद पाल लेना मैं। मैंने ग्रीन ना थोड़ी। स्ट्रॉबेरीज मिल रही हैं हमें एंड अभी तो हमने शुरुआत की है। मटर भी लेना चाहते थे हम, पर यू नो जो मटर वाला एरिया में ना, उस पर कितना सारा बाथू मिला है हमें, नेचुरली लगा हुआ। उसको उतार के लेके जाऊंगी और बाहर से फ्रेश साग लेंगे और बनाएंगे। ओके, सो हमें लगा था कि स्ट्रॉबेरीज दूर दूर तक नहीं होंगी, लाइक उधर बहुत ज़्यादा क्राउड है, हम बहुत दूर आके बैठे अकेले हैं यहाँ पे हम, और एक ही जगह पे इतने अच्छे अच्छे गुच्छे हैं कि इतने बड़ा फ्रूट है, आगे जाने लोड़ ही नहीं है हमें, लाइक बहुत बढ़िया है अमाउंट। एंड मैंने खा के भी देख लिया है, बहुत मीठी है एंड साइज भी अच्छा है कि बहुत ज़्यादा जॉइंट से। तो ये स्ट्रॉबेरीज स्टोर से खरीदेंगे तो उससे ज़्यादा महंगी है एंड मेहनत भी करनी पड़ती है, पर मज़ेदार एक्टिविटी है, लाइक थोड़ा आउटडोर समय स्पेंड करना, हिम्मत को फार्म्स के साथ इंट्रोड्यूस कराना। हमने तो फार्म्स देखे हैं अपने घर के, हिम्मत ने नहीं देखे। सो लड़का बाथू पकड़े हुए आपको दिखेगा, मुझे पता नहीं है बाथू है या कोई पंखुंग है। Acércate más, un poco más. Tu forma de actuar me hace vibrar. Yo ya no tengo escapatoria. Tú me borras en la memoria. La noche que yo te vi pasar. So, इस तरह हमने ये वाला दिन तो बहुत अच्छा स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया। अगला दिन था कि हमने बहुत समय हो गया कि बाहर रेस्टोरेंट से फूड नहीं खाया क्योंकि बंद था सब कुछ, और अब यहाँ पे ओपन हो गया था, पैटियो में बैठ के आप खा सकते थे। और मेरा फेवरेट जो रेस्टोरेंट है ऑलिव प्रेस, मुझे वहाँ पे जाना बहुत अच्छा लगता है। हमने ये लॉकडाउन के समय के दौरान वहाँ से टेक अवे तो पिक किया है कई बार, पर वो मज़ा नहीं आता है जो वहाँ पे गरम गरम फूड खाने का आता है। तो उन्होंने बाहर पार्किंग एरिया में इतना अच्छा सेटअप करके रखा था, तो हमने वहाँ पे डिलिशियस मील खाया, बहुत 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 मज़ा आया। मैंने नोटिस किया है कि जिस दिन मैं मेरा फेवरेट मील खाती हूँ ना, बहुत खुश होकर बहुत अच्छा मज़ा करके कंज्यूम करती हूँ, तो अगला दिन मेरा बहुत ही खुशी वाला एंड मेरी सेहत भी अच्छी रहती है, मुझे बहुत मज़ा आता है नेक्स्ट फ्यू डेज। सो यह वो दिन अच्छा गया हमारा। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर से करना। अगर आप इटालियन के फ़ैन हैं तो वो रेस्टोरेंट ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं, उसका नाम है ऑलिव प्रेस, वो है
कुकविल में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, लाइक बहुत ज़्यादा सेटिंग स्पेस है उनके पास। अब तो वैसे इंडोर भी ओपन हो गया है, तो आप अंदर बैठ के भी खा सकते हैं क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। बहुत अच्छा है, हमारे हॉल्टन रीजन में तो एक भी नहीं आया काफ़ी समय से। सो जो बहुत ही ज़्यादा हॉटस्पॉट थे वहाँ पे भी लेस देन 20 आ रहे हैं। सो वेरी गुड, वेरी वेरी थैंकफुल कि अच्छा है ये कोरोना की सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल। हेलो दोस्तों, तो आज बहुत सर्दियों के बाद हम लोग बाहर खाने के लिए आए हैं। हमारे तो इन्होंने ना अपने पार्किंग एरिया में अच्छा सा पैटियो बना लिया, यहाँ पे बैठ के आप खा सकते हैं। हम हमारा फेवरेट मील ऑर्डर करने वाले हैं, बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही अजीब एंड यूनिक लग रहा है बाहर बैठ के खाने में। यहाँ पे इतना अच्छा मौसम चल रहा है और अच्छा हुआ कि ये सरकार ने खोल दिया कि आप बाहर बैठ के खा सकते हैं। सो या दैट्स न्यू एंड एक्साइटिंग। मैंने लगता है कि जितना टाइम भी ये कोरोना रहा है हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही बार खाया पिछले लास्ट 2 ईयर्स में, 1.5 साल में टेक अवे किया था एक बार। सो या काफ़ी समय वेट किया मैंने मेरे फेवरेट पास्ता के लिए। सो अगर आप यहाँ पे ऑर्डर करेंगे, मेरा फेवरेट है चिकन पेस्टो पेपरडा, या बहुत डिलीशियस है वो, उसमें वो चिकन ब्रेस्ट यूज़ करते हैं। तो अब चित तो ही चांद वो चमक के बोतल मंगवाई है हमने, अभी अभी खुलेगी। सो हमारा पहला मील आ चुका है, मोजा फ्रिटी। हस्बैंड तो ही थोड़ा ज्ञान पाओगे अपने मील होते किया है चिकन ब्रेस्ट एंड ओके चिकन ब्रेस्ट आते पोटैटोज एंड वेजिटेबल्स आ देखन जे काफी खूबसूरत लग रहे हैं क्रीमी सॉस। ये हमें कैमरे वाले बंदे ने अट्रैक्ट कर दिया अंदर। यू लाइक इट? कालम बहुत ठंडा है। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट चिकन ब्रेस्ट पेपरडेल पास्ता विद मशरूम्स। मशरूम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आपने मेरा पहला देख लिया हमने क्या खाया, ख़त्म नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होता है। सो ये है मेरा फेवरेट पास्ता, ये पूरा फिनिश नहीं कर पाऊँगी मैं, घर में ही जाएगा अद्धा, मत चिंता मत करना कि अन्ना। सो पर यह बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, ये मैं खाने वाली हूँ एंड हस्बैंड के साथ शेयर करेंगे। हर साथ वो कार्ब्स नहीं खा रही, ओके आलू खा रही हूँ। सबसे पहले मशरूम ट्राई कर लूँ क्योंकि मशरूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओह माय गॉड, सो गुड। सो अभी हम बात कर रहे थे कि इनके फ्लेवर्स इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं कि हर टाइम वैसे होता है। एक बार मेरा पास्ता ऐसा टेस्ट नहीं कर रहा था तो फिर मैंने उनको कहा कि किसी और ने बनाया, मेरे सेम बंदे ने नहीं बनाया। पर उन्होंने कहा कि ज़रा स्मार्ट मत बन, सेम बंदे ने बनाया, खाया नहीं था, वापस करता ही। पर अब बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, आई लव इट। हस्बैंड तो डमी के था हस्बैंड को कहना चाहोगे बढ़िया थोड़े आलू बड़े क्रिस्पी लग रहे हैं। Bank alive, spaces revolving around, dilate as we hide. We've been here all along. Let me check. Let me try. Let me tell everybody. मम्मी इंडिया जाओ वाले कब पंजाब दे दिया इसको। सो इनके पास ना नॉर्मली पैटियो है नहीं, पर इन्होंने पार्किंग एरिया में ऐसे चेयर्स लगा दी हैं और एक नॉट चेयर्स टेबल, और एक टेबल पे 6 बंदे बैठ सकते हैं मेरे ख्याल से आराम से। सो आई थिंक अराउंड 8 और 9 हैं इनके पास। सो बहुत अच्छा है, पर इनको काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता बाहर आने के लिए जाने के लिए। थैंक यू सो मच। Oh no. Are you okay? There's a video going on. Oh, that's okay. Enjoy the rest of your day. Thanks, buddy. Okay.
ओके सो नई बुक आ गई हमारी जिंदगी में, कर्मा अयोगी गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी, सद्गुरु की ये नई किताब है। सो इसे पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड है, पर हस्बैंड ने कहा कि वो पढ़ेंगे पहले। एंड शॉपिंग करके आए हैं, आज मैंने लिए हैं लोफर्स, एक तो दिस वन, आई होप यू गाइस कैन सी, लेट मी स्विच ऑन द लेदर, है नॉट रियल फॉक्स एंड पर इसकी सिलाई एंड बहुत अच्छी तरह बनाया है, तो ये लिए हैं मैंने। और हमने आई थिंक 3 or 4 पेयर्स लिए हैं, और जूतों के एक हस्बैंड का है, 3 मेरे हैं। एंड हस्बैंड वो तो खा के आए हैं डिनर, एंड आई थिंक परफॉर्मेंस दे रहे बहुत अच्छी, बहुत परफॉर्मेंस दोगे सब ली एक। तू तो कीज वाल वेखन भी नहीं रहे, तू तो यार रहमान बन गए। Oh, I almost forgot. I got one dress for me from Scotch and Soda. तो ये बहुत प्यारी ड्रेस है, एंड जैसी ड्रेसेस मुझे पहनना अच्छा लगता है, लाइक यू नो फुल स्लीव्स एंड खूब सारी लंबी एंड बहुत प्यारी। इसका कलर भी काफी यूनिक सा है जो नॉर्मली हम नहीं पहनते हैं, लाइक ऐसा दे कलर्स का टीम है हमारे पास यार। ए हस्बैंड ने रोला ऐसा पाया जिधर आज ही सारा म्यूजिक लर्न में कर लेना। ओ बहुत बात करो। तू भी तो बहुत ही रोला बात थे था दुनिया में। बाहर शॉपिंग करने के लिए गए हैं इतने समय के बाद, और एक दो चीज़ा लेके ही ऐसा लगता कि जंग जीत ली, बहुत मजा आता है। और मैं अपने शूज को पहन के देखने वाली हूँ। उसके बीच में मैंने ना आई थिंक हिम्मत के बर्थडे के करीब मैंने ये मैंने किसी को ये पेंट करते देखा हुआ था, नंबर्स वाला एडल्ट पेंटिंग किट, एंड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये कॉन्सेप्ट। तो मुझे आर्ट वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, और मैं बहुत समय से ढूंढ रही हूँ कुछ मेरी वॉल्स पे पेंटिंग लगाने के लिए। मैं कुछ खुद भी बनाती हूँ, कहीं कई कई जगह मैंने घर में खुद भी बना के चीज़ें लगाई हैं, पर मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग है, एंड बहुत ज़्यादा फोकस करके आपको करना पड़ता है क्योंकि नंबर्स हैं, तो हर एक नंबर 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 का ध्यान रख के आपको करना पड़ता है। तो मैंने 2 डिफरेंट किट्स खरीदी, एक तो ऑयल पेंटिंग, एक एक्रेलिक। सो ये जो बिग फ्लावर्स हैं ये मुझे लगता है मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया, पर जो इतनी बड़ी फैन नहीं थी मैं इस फ्लावर्स की क्योंकि मुझे मेरी पसंद का किट नहीं मिला। पर ये जो दूसरा है, ये चेयर पे बुके सा पड़ा है, ये मुझे बहुत बहुत मज़ेदार लगा। एक तो ऑयल पेंटिंग है, और ये जो पिक्चर थी ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसे मैंने 1 ही दिन में फिनिश कर लिया। Saw you didn't care about the party, wishing all of these people would just head out so we can talk. I could tell by the smile when you asked where to write your name on my wall. Wish I met you at 16, wish I could have taken you to prom. Better late than never, I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Better late than never. और मैं चाहती थी कि बड़े से बड़ा फ्रेम मिले मुझे इसको फिट करने के लिए। फ्रेम्स इतने ज़्यादा महंगे आते हैं कि क्या बताऊँ। अगर मैं इससे फिट करने के लिए फ्रेम खरीदना चाहूँगी अच्छा जो मुझे पसंद आए, तो $100 के करीब आता है, 80-90। सो मैंने सोचा कि माइकल्स जाती हूँ, वहाँ पे अगर मुझे कोई अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्योंकि मैं ना बिल्कुल प्लेन ब्लैक सा फ्रेम भी नहीं चाहती हूँ, कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, मज़ेदार हो। तो मुझे ये क्लियरेंस वाले एरिया में ये वुड वाला फ्रेम मिल गया।
ये वुड वाला फ्रेम है ना, जो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम थी एक साइड पे, थोड़ा सा चिप, लाइक नोटिस नहीं कर सकते हैं आप। और ये था $50 का और मुझे मिला है $10 का, बस वो थोड़े से चिप की वजह से। तो मैंने ये ख़रीद लिया है और ये मेरी पेंटिंग पे अच्छी तरह फिट भी आ गया है और इससे मेरी पेंटिंग ज़्यादा ब्यूटीफुल लगनी शुरू होगी। तो अगर आप आर्ट के फ़ैन हैं, इसमें वैसे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि बहुत पिद्दे पिद्दे नंबर्स भी होते हैं, पर अगर आप समवन हैं जिसको फोकस करके चीज़ें करना अच्छा लगता है तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। और मुझे तो इतना इंटरेस्टिंग लगा, मैंने एक ही दिन में फिनिश कर लिया, लाइक बहुत मज़ा आया मुझे। एंड अब ऐसा फील होता है कि ये जो पेंटिंग है मैंने बनाई है, लाइक आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बेशक किट में से बनाई है पर फिर भी आपको अच्छा फील होता है कि ये, पर ये जो खुशी है ना कि आपके हैंड से बनी है, ये बहुत मज़ेदार होती है। सो ये बनाई है मैंने, आपको अच्छी लगी प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बार में। सो देयर यू गाइस कैन सी माई पेंटिंग, कितनी ब्यूटीफुल है, मुझे देख के बहुत मज़ा आता है इसको। सो आज के दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं ऑलरेडी उठ के चाय पानी पी के तैयार होकर नहा धो के प्यारा बच्चा बन गई हूँ और आज मेरा प्लान है कि मैं लाइब्रेरी जाके काम करूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है, लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरी वेबसाइट में जाने वाले हैं, उनका फ़ोटोशूट, बहुत सारी एडिटिंग है, वीडियोस हैं और सो बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए करने के लिए, पर घर में रह के मुझसे नहीं होता है क्योंकि हिम्मत बार बार डिस्टर्ब करता है या कुछ करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं चार पाँच घंटे लाइब्रेरी में स्पेंड करती हूँ और वहाँ पर अपना सारा काम फिनिश करके आऊँगी। सो वहाँ पर जा रही हूँ मैं, फिलहाल मैंने कुछ खाया पिया नहीं है एंड यस खाने की ब्रेक लूंगी, बाहर से कुछ खाऊंगी आज मैं थोड़ा बहुत। सो लेट्स गो। कल मैंने मेरे फाउंडेशन रूटीन की वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने बताया कि मैं स्कार्स को कैसे हाइड करती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। सो देखिए मेरे स्कार्स इतने अच्छी तरह कवर हो जाते हैं, आज भी मैंने वही तरीका अपनाया है। सो अगर आपने नहीं देखी जल्दी से देखें, बहुत हेल्प होगी क्योंकि हमारे चेहरे पे स्कार्स हैं, हमें मज़ा तो आता नहीं है पर जिंदगी तो जीनी है हमें, सो हाइड कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो। अगर आपको बिना हाइड किए भी अच्छा लगता है तो आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। ऑल राइट, सो आउटफिट ऑफ द डे है ये कार्गो किस्म की पैंट्स एंड ये वाइट टी शर्ट मुझे लगता है गैप से है और ये फॉरएवर 21 से, बहुत समा हो गया इसे मैंने लिया है, ये थोड़ा सा लूज है मुझ में। आई थिंक जो मेरे चैनल की इंट्रो है उसमें मैंने यही वाली पैंट पहन के रखी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बहुत लूज एंड कम्फी है और आपको लाइक डेनिम पहनने वाला बंदा नहीं हो, मुझे डेनिम में ना कुटन होने लग जाती है। सो या ऑल राइट, तो अच्छी लोकेशन में मैंने पार्क कर ली है अपनी गड्डी को एंड अब मैं मास्क पहनूंगी क्योंकि अंदर आप मास्क पहन के नहीं रह सकते हैं और कोई फूड आइटम भी नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि फिर खाने के लिए आप मास्क उतार रही हैं, वो कह रहे हैं कि ऑल द टाइम मास्क पहन के रखो। सो पहले मैं सोच रही थी कि कोई थोड़ा सा लंच ले लेती हूँ क्योंकि इतना सामान मैं खिलार के उठे बैठूंगी और फिर मुझे उठ के बाहर लंच करने के लिए जाना पड़ेगा तो अजीब है ना क्योंकि मास्क नहीं उतार सकते, पर मैं सोचा कि यार इट्स ओके, आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग अंटिल 2-3 बजे तक, आई लाइक इट। अगर आप सोचेंगे ओ ऐसा मत करा करो ये वो, आज वैसे मैंने चाय के साथ एक कुकी खा लिया ऑलरेडी, सो एनी चिंता की गल नहीं है। सो आई ईट समथिंग। सो ये काला मास्क मुझे अच्छा लगता है, मास्क पे मेकअप भी लग जाएगा। लेट्स गो, आपको मैं अंदर जाके मिलती हूँ, थोड़ा अपनी सेटिंग करके कि मुझे कहाँ पे बैठना है, अच्छी जगह पे। Stricken cactus and it starts to rain. The smell of steamed asphalt since it Novocaine. Nature's brew of all kinds of things. The mountain sunk hill sky color schemes. Makes you forget about all types of things. You remind me of the Arizona thunder. Satisfy the times and make you about the bigger picture in your life, the simple times in the Arizona thunder, the Arizona thunder tonight. Endless roads to the horizon, past the oasis, it's all behind ya. Mirage of agua, the stars above ya. The creature's days to nocturnal days. Makes you forget about all types of things. You remind me of the Arizona thunder. Satisfy the times and
almost there, guys. My favorite type of NC is latency. तो इस कम्युनिटी सेंटर में पूल भी है, पर जब से ये खुला है कोविड की वजह से ये पूल ओपन ही नहीं हुआ. ये ना सही है ना. एवरीबॉडी, बहुत सारी छोटी 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 फुटेज जो इधर उधर घूम रही थी मेरे मेमोरी कार्ड्स में, उनको सारी को मैंने मिक्स करके एक व्लॉग बना लिया है. उसकी एडिटिंग फिनिश होगी है बिकॉज उसमें मैं आज वाला दिन भी ऐड करूंगी. तो ये वाली फुटेज मैं घर में जाके ऐड करूंगी और उसे सेव करके अपलोड किया जाएगा. और अब समय हुआ है 3, सो मैंने 3 घंटे स्पेंड किए हैं. जब आप एडिटिंग करना शुरू करते हैं ना, 3 घंटे 4 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता, इतना ज़्यादा समय लगता है एडिटिंग करने के लिए. तो यार फाइनली वो हो गया है. ओके दोस्तों, वैसे तो मैं और ज्यादा काम कर सकती हूँ, पर मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है और मैंने सारा सामान समेट लिया. मैं घर जाके ही करूंगी जो करना है एंड हम घर जाते हैं. तो मैं गाना सुनूंगी 295. अगर आपने मेरी उस पर रिएक्शन नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर से देख लें. मैंने और मेरे हस्बैंड ने रिएक्ट किया था उस गाने पर. वो गाना इतना मजेदार था ना गाइस. And subscribe, like, and bye. और अरे दोस्तों, तो घर आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया. मैं थोड़ा आराम करने के लिए चली गई थी और बहुत ज़्यादा समय उसी में निकल गया. मुझे लगा कि मैं मेरा दिन शूट करूँगी, पर वैसे ही ये व्लॉग इतना बड़ा हो चुका है. सो आई होप आपने ये आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा. सो ऑलरेडी आपने इस व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें देख ली है. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं. कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना मेरी वीडियो को, क्योंकि उससे मुझे हेल्प होती है. एंड मैं मिलूंगी नई वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. इजी इजी, लव इज गो इजी. बाय, आई लव यू.